नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य समीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पवन दूति सर्ग की व्याख्या से संबंधित 4 व्याख्यान पहले हमारे हो चुके हैं और ये हमारा 5वां व्याख्यान है। इससे पहले के जो व्याख्यान थे उसमें हमने देखा कि राधा विभिन्न हिदायतें देते हुए पवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रही है। फिर हमने देखा कि पवन जो है वो कहाँ पहुँच गई है, मथुरा नगर में पहुँच गई है और राधा के द्वारा मथुरा नगर की विशेषताओं को बताया जा रहा है। फिर उसके पश्चात जब वो श्री कृष्ण के महल में पहुँच जाती है तो वहाँ श्री कृष्ण को किस प्रकार से पहचानना है, वहाँ इस व्याख्यान में राधा उस बात की हिदायत किसको दे रही है, पवन को दे रही है। वो श्री कृष्ण के विषय में कहती है कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्य वाला, कि श्री कृष्ण का जो शरीर है, सकल मतलब संपूर्ण, कि श्री कृष्ण का जो संपूर्ण शरीर है, वपु मतलब शरीर, सकल मतलब संपूर्ण, दिव्य मतलब अलौकिक सौंदर्य वाला, सुंदरता से युक्त, कि श्री कृष्ण का जो संपूर्ण शरीर है वो किसके समान है, वो दिव्य सौंदर्य अलौकिक सुंदरता से युक्त है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ईश्वर ने किसी सांचे में ढालकर उनके शरीर का निर्माण किया है। सत्पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संतोषिका है। सत्पुष्पों से 7 प्रकार के फूलों से युक्त सुरभि मतलब खुशबू और प्राण मतलब जीवन संतोषिका है, संतोष प्रदान करने वाली है। वो क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर से जो 7 प्रकार के फूलों के समान खुशबू आती है वो क्या है, प्राण संतोषिका है, प्राणों को जीवन को संतोष प्रदान करने वाली है, उसे जीवन प्रदान करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। श्री कृष्ण की जो दोनों कंधे हैं वो किसके समान है, बैल के कंधों के समान श्रेष्ठ हैं और जो उनके शरीर पर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका हैं और जो उनकी बाहें हैं वो किसके समान है, वो हाथी के बच्चे के शुंड के समान है। कलब का मतलब होता है हाथी के बच्चे की शुंड। शक्ति की पेटिका है और उनमें क्या है, शक्ति का अपार भंडार है। पेटिका का मतलब भंडार, कि श्री कृष्ण की जो लंबी बाहें हैं वो किसके समान है, हाथी के बच्चे की शुंड के समान है, परंतु ऐसा नहीं कि वे कोमल हैं तो उनमें कोई शक्ति नहीं है, बल्कि जिस प्रकार हाथी का बच्चा जो है वो अपने शुंड के माध्यम से वृक्षों तक को उखाड़ देता है, उसमें इतनी अपार शक्ति होती है, उसी प्रकार से चाहे श्री कृष्ण की बाहें जो हैं वो बहुत कोमल है परंतु उसमें हाथी के बच्चे के शुंड के समान क्या है, शक्ति का अपार भंडार है, बहुत अधिक ताकत है। उसके पश्चात वो क्या कहते हैं, राजाओं सा मुकुट उनके राजता शीश होगा, कि राजाओं के समान मुकुट उन्होंने अपने सिर पर धारण किया हुआ होगा और बहुत सुंदर लग रहा होगा, जच रहा होगा। कानों होगी सुललित छटा स्वर्ण के कुंडलों की, और सुललित मतलब बहुत सुंदर लगने वाली, छटा मतलब आभा, स्वर्ण सोने के कुंडल जो कानों में आभूषण पहने जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि उनके कानों, उन्होंने अपने कानों के अंदर जो सोने के कुंडल पहने हुए होंगे, उनकी जो छटा उनके मुख के ऊपर पड़ रही होगी वो बहुत ही सुंदर एक छटा, एक आभा उत्पन्न कर रही होगी। नाना रत्नों वलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला कलित लस्ती कंबू से कंठ होगी। नाना मतलब विभिन्न प्रकार के रत्न, हीरे मोतियों, वलित जड़े हुए, भुज में भुजा में मंजू केयूर होंगे, सुंदर बाजू बंद होंगे, कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के हीरे मोतियों से जड़ित जो केयूर का मतलब होता है बाजू बंद जो है वो अपनी भुजाओं में पहने हुए होंगे, वो अत्यंत सुंदर लग रहे होंगे। मोती माला कलित लस्ती कंबू से कंठ होगी, मोती माला मोतियों से बनी हुई माला, लस्ती मतलब सुंदर लगती, कंबू, कंबू का मतलब होता है शंख के समान उनका गला। वो क्या कहती है,
की मोती माला कलित लस्ती कंबू से कंठ होगी, कि श्री कृष्ण ने अपने गले के अंदर जो मोतियों से बनी हुई माला पहनी हुई है वो बहुत सुंदर लग रही होगी, और उनका जो गला है वो किसके समान है, उनका गला शंख के समान है। प्यारे, ऐसे अपर जन भी जो कहीं दृष्टि आवे तो देवों के से प्रथत गुण से तो उन्हें चिन्ह लेना। अपर मतलब अनजान, जन मतलब लोग, दृष्टि आवे नजर आवे, देवों के से प्रथित प्रसिद्ध उन्हें चिन्ह लेना, पहचान लेना। वो क्या कहती है कि प्यारे ऐसे अपर जन भी कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के समान ऐसे बहुत से अन्य जन भी होंगे जो तुझे वहाँ पर दिखाई देंगे। मतलब ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने क्या पहना हुआ होगा, मुकुट भी धारण किया हुआ होगा, मालाएं भी पहनी हुई होंगी और बाजूबंद भी पहने हुए होंगे, परंतु अगर तू उन सब लोगों को देखकर ये जान ना पाए कि श्री कृष्ण कौन है, असमंजस में पड़ जाए, तो वो क्या कहती हैं कि देवों के से प्रथित गुण से तो उन्हें चिन्ह लेना। तो तू देवताओं के जो प्रसिद्ध गुण हैं उन प्रसिद्ध गुणों को याद करना और उन्हें पहचान लेना। वे हैं थोड़े यद्यपि वे में, वे का मतलब होता है आयु, तेजशाली बड़े हैं कि तेजस्वी हैं, कि यद्यपि वो क्या है, आयु में श्री कृष्ण जो हैं वो बहुत छोटे हैं, परंतु फिर भी उनके मुख पर जो तेज है, जो आभा है, वो बहुत अधिक है। तारों में है न छिप सकता कंत राका निशा का। कंत मतलब पति, राका राकेश या चांद, निशा मतलब रात्रि, कि यद्यपि थोड़े हैं वे में, कि यद्यपि श्री कृष्ण आयु में बहुत अधिक छोटे हैं, परंतु उनके मुख का जो तेज है वो बहुत अधिक बड़ा है, मतलब बहुत अधिक तेज उनके मुख पर है। तारों में है न छिप सकता कंतरा का निशा का, कि जिस प्रकार आकाश में चाहे कितने ही तारे क्यों ना हो, परंतु जो रात्रि का पति, किसे कहा जाता है, चंद्रमा को, कि रात्रि का पति यानी कि चंद्रमा जो है वो अलग ही दिखाई पड़ता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के समान आभूषण पहने हुए तुझे चाहे कितने ही लोग वहाँ पर क्यों न दिखाई दें, परंतु श्री कृष्ण उसी प्रकार उन सब लोगों में अलग दिखाई देते हैं जिस प्रकार तारों में चंद्रमा दिखाई देता है। फिर वो क्या कहती है कि बैठे होंगे जिस स्थल वहाँ भव्यता भूरी होगी। भव्यता मतलब शानो शोकत, कि श्री कृष्ण जहाँ बैठे होंगे वहाँ उस स्थान की जो भव्यता है, शानो शोकत है, वो बहुत अधिक होगी। सारे प्राणी बदन, बदन मतलब मुख, लगते देखना प्यार के साथ होंगे, कि श्री कृष्ण जिस स्थान पर बैठे होंगे वहाँ की तो शानो शोकत ही न्यारी होगी। सारे प्राणी वदन लगते प्यार के साथ होंगे, और वहाँ पर श्री कृष्ण के आसपास जितने भी प्राणी, जितने भी मनुष्य बैठे हुए होंगे, वो सारे बहुत प्यार के साथ श्री कृष्ण के मुख को निहार रहे होंगे। पाते होंगे परम निधि और लूटते रत्न होंगे। रत्न मतलब खजाना, हीरे मोती। परम निधि अत्यधिक धन संपदा से भरा हुआ खजाना, कि जब श्री कृष्ण प्यार के साथ उनसे बातें कर रहे होंगे और सारे लोग जब उनके मुख को निहार रहे होंगे, तब वो ऐसा करते समय उन्हें इतना आनंद आ रहा होगा जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया है और वो उसको लूट रहे हैं। होती होंगी हृदय तल की क्यारियाँ पुष्पिता सी, और ऐसा करते समय उनका जो अंतर मन है उसके अंदर क्या है, फूल खिल रहे होंगे, कि फूल खिलने का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक प्रसन्न होना। यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है, कि जब श्री कृष्ण बोल रहे होंगे तो उन्हें कितना अधिक आनंद आ रहा होगा, उतना आनंद उन्हें आ रहा होगा जिस प्रकार किसी खजाने को लूटने से जो आनंद आता है, और ऐसा करते समय उनकी जो अंतर मन
जो है वो बहुत अधिक खुश हो रहा होगा। बैठे होंगे निकट जितने शांत और शिष्ट होंगे, मर्यादा का सकल जन को ध्यान होगा बड़ा ही शांत, मतलब बहुत अधिक शांतिपूर्ण तरीके से, शिष्टाचार ढंग से। सकल संपूर्ण लोग, सकल जन संपूर्ण लोग, कोई न कह सकता बात दुर्वत्ता, दुर्वत्ता की बुरी लगने वाली बात या किसी के दिल को चोट पहुंचाने वाली बात। पूरा पूरा हृदय सबके श्याम आतंक होगा। बैठे होंगे निकट जितने कि श्री श्याम सुंदर के आसपास जितने भी लोग बैठे होंगे, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत मर्यादित और शिष्टाचारी ढंग से बैठे हुए होंगे। मर्यादा का सकल जन को ध्यान होगा बड़ा ही, और वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए होंगे सबको छोटे बड़े की और ऊंच नीच की मर्यादा का सबको बहुत अधिक ध्यान होगा। कोई होगा न कह सकता बात दुर्वत्ता की, और वहाँ पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति किसी को बुरी लगने वाली बात या दिल दुखाने वाली बात कहने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा पूरा हृदय सबके श्याम आतंक होगा। क्योंकि वहाँ पर उपस्थित सब लोग ये जानते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो किसी भी गलत बात को पसंद नहीं करते और उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो सबके हृदय के अंदर श्याम सुंदर का वह डर बना हुआ होगा कि इसीलिए वो किसी को भी दिल दुखाने वाली बात कहने का साहस नहीं कर सकते होंगे। प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते श्याम होंगे, फैली जाती हृदय उनके हर्ष की बेली होगी। नज़दीक उनके जितने भी लोग बैठे हुए होंगे, श्री श्याम सुंदर उनसे बहुत प्यारी प्यारी सी बातें कर रहे होंगे। फैली जाती हृदय उनके हर्ष की बेली होगी, और जब श्री कृष्ण उनसे ऐसे मधुर मधुर बातें कर रहे होंगे तो उन लोगों के दिलों में हृदय हर्ष की बेली, मतलब कि फूलों की क्यारी जो है वो फूट रही होगी, फूल उनके हृदय में खिल रहे होंगे। देते होंगे महत्वगुण वे, मतलब उन्हें बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही होगी। देते होंगे महत्वगुण वे देख के नैनकोरों, लोहा को छुकलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते। महत्वगुण महत्वपूर्ण गुण, नैनकोरों आँखों के कोनों से लोहा को छुकलित, कलित मतलब सुंदर, हाथ से स्वर्ण होंगे बनाते। कि देते होंगे महत्वगुण कि श्री कृष्ण वहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी कोने में बैठा है, उसे अपनी आँखों से निहार कर उन्हें महत्वपूर्ण गुण के विषय में बता रहे होंगे। मतलब उनके अंदर भी वो अच्छे गुण उत्पन्न कर रहे होंगे अपने सानिध्य के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से। लोहा को छूके कलित कर से, जिस प्रकार जो पारस है उसके छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार जब श्री कृष्ण अपने हाथों से वहाँ के लोगों को छू रहे होंगे तो उनके हृदय जो है वो सोने के समान पवित्र हो जाते होंगे। सीधा जाके प्रथम ग्रह के मंजू उद्यान में तू जो थोड़ी भी तपन तन हो, सिक्त होके मिटाना, निर्धूली हो सरस रज से पुष्प के लिप्त होना, पीछे जाना प्रिय सदन में सिनग्धता से बड़ी हो। सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजू उद्यान में तू, कि सबसे पहले तुझे कहाँ जाना है, श्री कृष्ण का जो घर है उस घर में जो सुंदर उद्यान है, सबसे पहले तू उस घर के उद्यान में जाएगी। मतलब वो कहती है कि तुझे एकदम से श्री कृष्ण के पास नहीं पहुंचना है, बल्कि सबसे पहले कहाँ जाना है, श्री कृष्ण के घर में जो सुंदर बगीचा है उसमें जाना है। जो थोड़ी भी तपन तन हो, सिक्त होके मिटाना, और अगर तू चलते चलते तेरे अंदर थोड़ी सी भी गर्मी आ गई है, थोड़ी सी भी तेरी हवा गर्म हो गई है, तो वो कहती है कि उस उद्यान में जा कर के वहाँ के पेड़ पौधे और जो तालाब इत्यादि हैं उनके अंदर से सिक्त होकर, मतलब उनमें से निकल कर के अपनी जो तपन है, अपनी जो गर्मी है, उसको दूर कर लेना। निर्धूली हो सरस रज से पुष्प के लिप्त होना, और श्री कृष्ण के पास जब जाओ तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे अंदर धूल का एक कण भी नहीं होना चाहिए, और अपने आप को किससे युक्त कर लेना, तुम अपने आप को
को फूलों की खुशबू से युक्त कर लेना। ये क्या कहना चाहती है कि तू शीतल और सुगंधित होकर के श्री कृष्ण के पास जाना, पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से बड़ी हो, और जब तू शीतल हो जाए, जब तू सुगंधित हो जाए, तो उसके बाद श्री कृष्ण के घर में जाना, बहुत ही कोमलता से उस घर में प्रवेश करना। ठीक है, धन्यवाद। तो आगे मिलते हैं अगले व्याख्यान में।